आज के दिन तो सभी प्यार करने वाले प्यार की इस देवी को यानी कि क्यूपिड को याद करते हैं, बुलाते हैं हमें अपने प्यार की कहानी सुनाने के लिए। और ऐसे ही बुलाया है हमें इन दो लव बर्ड्स ने, अनिरुद्ध दवे और शुभी की। सुने प्यार की ये कहानी। वैलेंटाइन मतलब प्यार का दिन, और प्यार का अंजाम होता है शादी। इसलिए आज सास बहू और बेटियां में हम आपको मिलाने वाले हैं कुछ, जिनकी शादी को अरसा हो गया है लेकिन उन्होंने अपने प्यार की क्षमा को अभी तक जला के रखा हुआ है। अभिनेता अनिरुद्ध दवे और उनकी बीवी शुभि आहूजा। तो क्या शादी के बाद प्यार की क्षमा बुझ जाती है? क्या रिलेशनशिप्स में बासीपन आ जाता है? क्या रोमांस फीका हो जाता है? जी हाँ, यही जानने के लिए आज हम एक वैलेंटाइन वाला डे आउट जाएंगे इनके आशियाने में, और जानेंगे कि इनके प्यार की क्षमा अभी कितनी धड़क रही है। लेंगे इनके प्यार का इम्तिहान, खेलेंगे इनके साथ प्यार वाले गेम्स, और वैलेंटाइन पर हम ये जानेंगे कि शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में वैलेंटाइन डे यानी प्यार के दिन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो शुरू करते हैं शादीशुदा जोड़ों के लव स्टोरी की कहानियाँ। चलते हैं अनिरुद्ध दवे के घर पर, जो अपनी रियल लाइफ बेब शुभी आहूजा के साथ देखिए कैसे प्यार में डूबे हुए हैं। इनकी शादी को भी अरसा हो गया है लेकिन अभी भी दोनों बिल्कुल न्यूली वेड की तरह हैं। तो आज सास बहू और बेटियां ने मौका दिया है, तो फिर मौका है, दस्तूर है, तो फिर आज देखो कुछ है मेरे पास। देखो तुम्हें तुम कहोगी कि बहुत ज्यादा फिल्मी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें भी कभी जीवन के अंदर ऐसी शिकायत नहीं रहेगी कि यार मैंने कभी ये नहीं किया, तो ये लो। थैंक यू सो मच। देखो वैलेंटाइन का दिन है आज और आप लोगों ने ये सरप्राइज दिया है, सो ऑफ कोर्स वैलेंटाइन का गिफ्ट भी दिखा देता हूँ। मानना शायद कि जब आप प्रपोज करते हैं तो वो प्रपोजल मोस्टली रिजेक्ट ही हो जाते हैं, बहुत कम लोगों के होते होंगे, लेकिन हमारा मानना ये था कि देखो अगर करनी है तो जीवन में अगर आपने सोच लिया है तो आपको शादी करनी है, बिकॉज दोनों का जो एक विजन था वो क्लियर था इस चीज़ को लेकर कि ठीक है यार अगर हम दोनों को साथ होना है तो साथ उसका जो एक एक जो पीक है वो यही है कि आप लाइफ में अपने आगे बढ़ें और शादी करें, और एक्चुअली अगर आप सीरियस हैं लाइफ में तो देन दैट्स द बेस्ट थिंग कि यू गेट मैरिड। मैं नहीं रहनी चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया। देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फिल्मी लगती हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें अगर किसी को खुश कर दें तो खुश कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें ओवर पावर कोई किसी को नहीं कर रहा है एक्चुअली। एक ये दिस इज एस एंड ए शुभी एंड अनिरुद्ध। सो परसों ही वी केम बैक फ्रॉम दुबई, तो वहां से मैंने सोचा कि एक ये गिफ्ट जो है शुभी को दिया जाए। इन दोनों की मुलाकात हुई थी सीरियल बंधन के सेट पर, और वहीं पर इनका बंधन बन गया। तो जरा सुनते हैं इनकी लव स्टोरी। फर्स्ट डे मिले थे फर्स्ट टाइम, तो वो एंगेजमेंट सीन था हमारा, और हम उमरगांव बीच पे थे, फर्स्ट टाइम हम मिले और हमारा इंट्रैक्शन भी नहीं हुआ था, हमने आपस में बात भी नहीं करी थी और हमने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करी थी। तो यस, एंगेजमेंट तो तभी हो गई थी। हाँ नहीं नहीं, अगर ऐसी एंगेजमेंट होती है तो अब तक तो मैं 10-12 शादी कर चुका हूँ पागल। वो तक नहीं हुई हमारी मुलाकात नहीं थी, मतलब सिर्फ इंट्रैक्शन ऐसे हुआ था कि ओके आई एम प्लेइंग दिस रोल एंड शी इज़ प्लेइंग दैट रोल। किसको क्या मालूम था कि कहानी कुछ इस तरीके से मोड़ लेगी कि अपनी रियल लाइफ में हम दोनों हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। शुभी सूर्यपुत्र कर्ण करके आई थी शायद, है ना, तो उस वक्त मुंबई थी, तो जब पेरेंट्स आए तो एकदम से वो लिफाफे बांटने लगे एक दूसरे को, मुझे लगा अरे ये तो हो गया। अनिरुद्ध ने शुभवी के लिए खास तोहफा भी लिया है, पर शादी के बाद भी इनकी लव स्टोरी भी सदाबहार है। ये तो जीवन है, गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन एक छोटा एक बड़ा ऊपर नीचे लाइफ में चलता रहता है, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन द बोथ द थिंग्स। तो ऐसे ही रिश्ते जो हैं वो निभाए जाते हैं और ऐसे ही जीवन चलता है।
तुम्हारा क्या मानना है बता दो। वो जरूरी है। इस वैलेंटाइन पर उसे प्यार की मुहर लग गई। तो इन शादीशुदा जोड़ों की तरह आप इस वैलेंटाइन अपनी मोहब्बत की रोशनी हमेशा जलाए रखिए। मुंबई से श्रुति बजातिया और नूपुर मौची के साथ आज तक ब्यूरो।